अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेक्चरर एजुकेशन के हवाले से बालाखिर एक बड़ी खबर है आप लोगों के लिए कि ये मसला जो है हल नहीं हो रहा था। कभी कहा जाता था कि पेपर होगा, कभी कहा जाता था पेपर नहीं होगा, और इस वक्त तक भी प्लानर में जो दिया गया है कि पेपर होगा। लेकिन मैंने अभी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो उनका लाहौर हेड ऑफिस है, तो ये पंजाब सर्विस कमीशन के हेड ऑफिस मैंने अभी कॉल की है इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए, और उनका ये कहना है कि लेक्चरर एजुकेशन का पेपर जो है वो पोस्टपोन हुआ है, और वो पोस्टपोन होने की जो वजह का सामने आई है वो ये है कि चूँकि ये 6 या 7 मुहर्रम बन रही थी, तो उसके बाद जो मैंने पूछा है वहाँ से कंफर्म करने की जो मैंने कोशिश की है, इतलात लेने की जो कोशिश की है कि नेक्स्ट पेपर जो है वो कब प्लान होगा, तो जो वहाँ पे नुमाइंदा मौजूद था लाइन पे, उसने बताया है कि जो पेपर है वो 10 मुहर्रम के फौरन बाद जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो ये 22 अगस्त तक जो है वो पेपर दोबारा होने के बिल्कुल 100% चांसेस हैं, और ये बिल्कुल 100% जो है वो एक अथेंटिक न्यूज़ है कि पेपर जो है वो जो इस संडे को पेपर हो रहा था लेक्चरर एजुकेशन का वो कैंसिल हो गया है। तो आप लोग जो है वो अपनी साथ साथ तैयारी जारी रखें, और इससे पहले जो लेक्चरर बायो का पेपर हुआ है उसमें कुछ दूसरी इररेगुलरिटीज़ भी सामने आई थी। उसमें ये इशू बना था जो बायो का पेपर हुआ है कि जो उनके ABC अलग अलग पेपर के पार्ट बने हुए थे, तो उसमें बी पार्ट के कुछ क्वेश्चन जो हैं 6 या 7 क्वेश्चन वो रिपीट हो गए थे, सी पार्ट में आ गए थे, तो वो मिस प्रिंटिंग का इशू भी हुआ था। लेकिन लेक्चरर एजुकेशन का पेपर जो कैंसिल होने की मेन वजह बताई जा रही है वो मुहर्रमुल हराम है, और PPSC के सोर्सेज के मुताबिक एजुकेशन का पेपर जो है वो 10 मुहर्रम के फौरन बाद जो है, मतलब उसके बाद जो संडे आएगा तो उसको कंडक्ट किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।